नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी नारेष्टी। वावन मेजराम और उनके सहयोगी ने आज अपने समाज के साथ हो रहे भेदभाव को ध्यान में रखते हुए जो कहा, वह सोचने वाली बात है कि हमारी जनता इतनी लापरवाह कैसे हो सकती है। जिस मुद्दे की वजह से संविधान बना, पूरा भारत अच्छी तरह जीवन में अपने जीते जी घटनाएं देखता रहा, पर कोई आवाज नहीं बुलंद की। आज उसी वजह से समाज में संभावनाएं घटित हो रही है। वह चिंता का विषय बना हुआ है। नौकरी गई, शिक्षा गई, अब एक भी SC ST OBC कोई भी डायरेक्टर नहीं है। वावन मेजराम ने बताया जो मोर्चा निकाला उस पर चर्चा किया, जिसकी चर्चा में उदित राज ने भी अपनी सहमति देते हुए बताया। पेश एक रिपोर्ट। वावन मेजराम जी का, निशा मेजराम जी का मैं स्वागत करता हूं। हम लोग मिले, बहुत अच्छी बातचीत हुई। आज के समय में जब सब कुछ खत्म हो रहा, काफी कुछ हद तक खत्म हो गया, प्राइवेटाइजेशन के द्वारा नौकरियां गई, शिक्षा भी हाथ से निकल गई और 43 वाइस चांसलर हैं देश में, उसमें केवल एक SC 1 ST है। 159 इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग और इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस, उसमें से एक SC 1 ST डायरेक्टर नहीं है। तो शिक्षा से भी निकाल दिया गया, गवर्नमेंट के जॉब तो कम हो ही गए हैं और डेमोक्रेसी की जो स्ट्रेंथ होती थी वो कमजोर हो गई है। EVM से अब चुनाव होने लगा, अब हम वोट दें या ना वोट दें, मशीन वोट दे रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर हम लोग एक नहीं होते, बहुजन एक नहीं होते, तो मेरा ख्याल है कि इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। और इस लोकसभा के चुनाव के बाद हमें लड़ने का मौका भी नहीं देगा। अब आगे चुनाव होगा कि नहीं, वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब क्या है? पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को खत्म करके प्रेसिडेंशियल में केवल सवर्ण ही जीत सकते हैं और SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई मतलब नहीं रख पाएगा। तो हम लोगों को एक होना चाहिए। मेरी अपील है कि चाहे और जो छोटे छोटे संगठन हैं, जो अहंकार, खुद का अहंकार, ईगो है और अपने सेटिस्फेक्शन के लिए ही कर रहे हैं, वो सारे हमारे हमारी कमजोरी बन गए पूरे देश में। चार आदमी है तो 10 आदमी एक संगठन खड़ा कर देते हैं और टुकड़ों में पूरी शक्तियों को बांट दिया है। अब इस मंच पर आए, EVM के खिलाफ हम लोग लड़े, वरना अब लड़ने का भी मौका नहीं रहेगा। तो मेसराम जी से और दिग्विजय जी से अभी मुलाकात हुई है कांग्रेस नेता, तो हम लोगों ने सलाह मशविरा करके 19 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली में EVM के खिलाफ ये आह्वान किया गया। पूरे देश के लोग आए, सभी लोग आए, एक कॉमन मंच है, किसी एक का नहीं है। मैं यही कहूंगा, आज मुझे बड़ी खुशी हुई वावन मेजराम जी से मिल करके। इन्होंने समाज के लिए बहुत काम किया है, बहुत जगाने का कार्य किया, लेकिन जगाने से ज्यादा जिस तरह से मीडिया इस देश में है, मनवादी लिटरेचर प्रभाव और उनका असर, वो हमारे सामाजिक जागृति का जो प्रयास है उसको भी छोटा करता चला जा रहा है। तो मैं यही फिर से अपील करूंगा समाज से कि अब कम से कम अहंकार ईगो को छोड़ो और कुछ समाज के लिए भी देना सीखो। दो पैसा निकालना सीखो, घर से निकलना सीखो। रिटायर्ड एम्प्लॉई लाखों की संख्या में है और रिटायरमेंट के बाद में भी नौकरी करते जा रहे हैं, तो घर से निकलें। साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि कल हमने जंतर मंतर पर EVM के विरोध में राष्ट्रीय स्तर का बड़ा आंदोलन किया, महामोर्चा निकाला और उस महामोर्चा में 32 राज्यों के लोग उपस्थित थे और जनता को इकट्ठा करने का देश भर में हमने अभियान चला रखा है। और अभी हम लोग उदित राज जी के घर में आए हैं और उदित राज जी के साथ मिलकर फिर
एससी एसटी ओबीसी और माइनॉरिटी के जो तमाम नेतृत्व करता है, मासेस के साथ साथ नेतृत्व कर्ताओं को भी इकट्ठा करने की जरूरत है और इकट्ठा करने के लिए हम लोग पहल कर रहे हैं। तो 19 फरवरी को ईवीएम हटाओ एक बड़ा और आंदोलन होने वाला है। उस आंदोलन में भी हम सारे देश भर से लोगों को इकट्ठा करने के लिए अपील करते हैं और इकट्ठा करने के लिए सारे देश भर से लोगों को लाने की कोशिश करेंगे। इस मौके पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हमें बहुत खुशी है कि उदित राज जी और हम अब आने वाले समय में समाज की लड़ाई मिलजुल कर लड़ेंगे। शुक्रिया, जय हिंद।